डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रोडक्ट्स ऑफ फायर को डिस्कस कर रहे हैं और इंडिविजुअल हर एलिमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा एलिमेंट है वो है हीट। हीट क्या है? हीट क्या है? हीट बेसिकली जब आग लगती है तो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम ये कह सकते हैं हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तवनाई की एक किस्म है, तवनाई की एक फॉर्म है हीट। लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखा जाए कि जो एनर्जी है वो मुख्तलिफ फॉर्म में होती है और उनका जो एक एलिमेंट है, उनकी एक किस्म है, वो हीट है। अब हीट होती क्या है? हीट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन कंबस्शन। Of all type of fuel, वो क्या कहता है कि जो हीट होती है वो जब फ्यूल कंबस्शन प्रोसेस में जलता है तो हमारे पास हीट हासिल होती है। अब ये फ्यूल है, ये किस शेप में है, हमें इस पर कोई गर्ज नहीं है। फ्यूल आपका मुख्तलिफ शेप में होगा, ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में होगा, ये आपके पास सॉलिड में होगा, ये आपके पास गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। अब हमारे पास ये हीट है, हीट इफेक्ट्स क्या करती है? इसका सबसे मेन इफेक्ट है कि ये हमारे पास फर्दर फायर को फर्दर फायर लगने का सबब बनती है, यानी कि आग को बढ़ाने का सबब बनती है। और उसे क्या करती है? ये फायर फाइटर को बर्न करने का मौजे बनती है। ये जो हमारे पास हमारे फायर हीरोज होते हैं उनको जलाने का सबब बनती है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जब आपका जो टम्परेचर होगा 120 फ़रनहाइट से 130 फ़रनहाइट से ऊपर जाएगा तो हमारे फायर फाइटर्स हैं वो बग़ैर पीपीईज के एंटर नहीं हो सकते। ये था हमारा आज का टॉपिक हीट। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम ऐश और लाइट डिस्कस करेंगे और लिंक के अंदर आपको प्रोडक्ट्स ऑफ फायर के तमाम एलिमेंट्स को यकजा कर दिया गया, आप फर्दर उसको देख सकते हैं। शुक्रिया।